किउल थाना क्षेत्र के गोहड़ी बेलदरिया गांव में बीती देर रात सोए अवस्था में एक महिला का गला रेतकर हत्या कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बताया जाता है कि बीती देर रात गोहड़ी बेलदरिया निवासी सुवन बिंद की 45 वर्षीय पत्नी श्रद्धा देवी अकेले कमरे में सोई थी। परिवार के सभी लोग छत पर सोए थे। बगल के कमरे में मृतक का बेटा और बहू भी सोए थे। इस बीच अचानक छत से नीचे परिवार के लोग नीचे उतरे तो खून से लथपथ अवस्था में बेड पर महिला पड़ी थी, जिसके बाद अहले सुबह परिजनों ने इसकी सूचना किउल पुलिस को दिया। SDPO रंजन कुमार मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश किए। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम में भेजकर मामले की छानबीन कर रही है। किउल थाना अंतर्गत गोहरी बेलदरिया में एक महिला सोए अवस्था में उनका गला रेती है, श्रद्धा देवी नाम है, उम्र करीब 45 वर्ष। उस घर में उनके अलावा पति जो सुवन बिंद और उनके तीन बेटा और एक बेटी और एक बहू, बेटा और बहू जस्ट दूसरे रूम में थे और श्रद्धा देवी जो है उसके जस्ट बगल वाले में, और पति और दो बच्चा जिसमें एक बच्चा विकलांग मतलब दिव्यांग है, बोलने में असमर्थ है, वो और बेटी सब ऊपर सोए। उसी क्रम में उनको रात को करीब 1 बजे पता चला कि इनकी पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दिया है कोई, तो सुबह में इनके द्वारा किउल थाना अंतर्गत को सूचना दी गई और वहाँ घटनास्थल पर जाकर देखा गया। क्योंकि बाहर से कोई एंट्री है नहीं घर में और उसका भी कहीं से प्रमाण नहीं मिला कोई बाहरी आदमी एंटर करे, और अंदर से जो है दरवाजा बंद था, तो इस संबंध में अनुसंधान चल रहा, जल्दी इसमें गिरफ्तारी और खुला। घटनास्थल से भी क्या कुछ बरामद किया? घटनास्थल से मतलब गला कटा हुआ था, खून लगा हुआ, कपड़ा वहीं पे बरामद हुआ, खटिया पे सोई थी। भोज करके आया, 7-8 बजे भोज खा लिया, भोज खा करके मैं ऊपर छत पे सोने के लिए चला गया। मेरा एक सज्जन बेटा है, सुदामा बेटा है, चांदनी कुमारी बेटी है, ऊपर चला गया छत पे सोने के लिए। मैं पत्नी मेरा गया ऊपर, हम बोले पत्नी को बोले कि यहीं सो जाओ, मेरा पत्नी बोला नहीं जो हम यहाँ नहीं सोएंगे, नीचे सोएंगे। हम बोले चलो ठीक है, अभी बुखार लगा है, सीट में नहीं सोतेगा, घर में सो जाएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं सो गया, सोने के बाद पर मेरा बेटा दोनों भी सो गया, मैं वहीं ऊपर में, बेटी भी सो गया मेरे पास में वहीं। उसके बाद मेरा नींद टूटा 12:30 के नजदीक में, हम टाइम देखने नहीं पा रहा। उस टाइम में देखा तो मेरा बेटा उठ का बैठा हुआ था जो गोंगा है। मैं बोला भाई यहीं सो गया था तो तू बैठा ले कैसे? हम बोले सूत रे, आ रहे गोंगा सूत यहाँ। तो वो ने मुझे इशारा से बताया, ऐसे करके बल काट दिया। फिर हम वहाँ से ऊपर से मोबाइल लिया, मेरे पास मोबाइल था, मैं हम सोचा जाते हैं नीचे, हो से सांप काटा होगा। जब तक नीचे अभी छत पे से ऊपर वाला छत पे से उतरे, दूसरा छत पे गए पेशाब करने के लिए, जब तक मेरे बेटी साथ मेरे साथ में था, मेरा बेटी हमसे पहले उतर के चला गया वो अपनी मम्मी के पास, बोला मम्मी तू घसक, हम अब सुतबो यहाँ। मम्मी घस के गया, जिंदा रहेगा तभी तो घस गया, मम्मी तो पूरा नरेटी कटा हुआ। फिर ने मेरा बेटी अपना भाभी को बुलाया, मेरा फिर पुतू आया, फिर पुतू मेरा बेटा को बोला, जब तक फिर हम पेशाब कर लिए, जब तक मेरा पुतू आवाज़ दिया कि पापा मम्मी कैसे कर ले, जब तक छत से उतरते हैं तो देख मेरा चुप रहो गला काटा हुआ। उसके बाद में जब इधर देखें बाहर में तो मेरा गेट ऐसे लगा था, फिर मैं मेरा सब बच्चे उच्चे सब कहने लगा, फिर हम गेट खोले। उसके बाद और क्या आपकी तेरा क्या गांव टोला है, समाज है तो लड़ता झगड़ता है, बाकी वैसा कोई बात नहीं है, फिर मिलजुल के सब भोज भात खाते हैं, बाकी उतना दुश्मनी भी हम किसी से नहीं करते हैं, फिर बोल लेते हैं, चाल लेते हैं, बाकी इस बात को भी हमको पता नहीं लगा रहा नहीं लगा है, बाकी बात को हम पता लगाएंगे, जो मेरे ऊपर किया होगा ना, तो क्या कहूँ अभी, तो पहले जो मेरा है उसको देखना। आपका क्या नाम हुआ? नाम है सुबह दिन मजदूरी करके खेती गृहस्थी करके खाता हूँ।